नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बूढ़सू से, जहां कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आदर्श खेल मैदान में मकराना ग्रामीण ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष व मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत थे, जबकि अध्यक्षता मकराना उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा ने की। बूढ़सू सरपंच महावीर कुंकना समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ अतिथियों द्वारा झंडारोहण कर परेड की सलामी लेकर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक गेसावत ने कहा कि जिस प्रकार के खेलों का आयोजन करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश है, उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। समारोह अध्यक्ष उपखंड अधिकारी बेरवा ने समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से सरकार द्वारा आयोजित खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने व खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। सरपंच महावीर कुकना ने आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इससे पूर्व विद्यालय परिवार व ग्राम पंचायत द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। समारोह के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। शारीरिक शिक्षक बन्नाराम बाकर ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले ग्रामीण ओलंपिक में करीब 500 खिलाड़ी एकल व टीमों के रूप में भाग ले रहे हैं। इस दौरान पीओ मधुबाला पारिक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान, कांग्रेस के जिला सचिव बिरदाराम नायक, गुलाम रसूल सिसोदिया, टीकम चंद, चौकी प्रभारी सुरेश कुमार मीणा, कांस्टेबल भीम सिंह, जिसान गेसावत, उप प्रधानाचार्य रविंद्र गोड़, प्रमोद सक्सेना, हेमाराम दुस्तवा, बन्नाराम बाकर सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी व ग्रामीण मौजूद रहे। बूढ़सू से राकेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट।